विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय एवं सुरासुरगणः समदेशकाल हेत्वार्थकर्ममतय पिफले विकल्पः तत्रामृतं सुरगणः फलमञ्जसापुः जत पाद पंकज रजः श्रयणान दैत्यः जद युज्यते सुवसु कर्म मनो बचो भिः देहात्मजादि सुनृभिस्तद सत् पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् श्रीशुक उवाच इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं नृपा युक्तः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपरायणः साधयित्वा मृतं राजन् पाययित्वा स्वकांशुरान् पश्यतां सर्वभूतानां यजो गरुणवाहनः एवं इस प्रकार सुरासुरगणः सुरगण और असुरगण समदेश काल एक समय में एक देश में हेतु और एक ही विधि से अर्थ समान अर्थ खर्च करके समान उपकरण से कर्म समान परिश्रम से मतयः समान मति अमृत पीने की लालसा से युक्त होकर कर्म किए अपि तथापि फले फल प्राप्ति में विकल्पः भेद हो गए किसी को फल मिला किसी को नहीं मिला
तत्र वहां अमृता अमृत सुरगण देवगण फलम फल परिश्रम का फल अंजसा सुगमता से आपुहु पा गए जतपाद पंकज रज श्रयणा भगवान के चरण कमल के रज की शरण लेने से न दैत्य परंतु दैत्य नहीं पाए क्योंकि वे भगवान के भक्त नहीं थे। वैदिक इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी जिस उद्योग में जिस क्रियाकलाप में भगवान साथ में थे और भगवान जिसकी भूमिका प्रस्तुत किए और दो विशाल दल मिलकर कार्य संपन्न किए पर एक को फल मिला और दूसरे को नहीं मिला। इस विषय पर श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कमेंट दे रहे हैं, आलोचन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों नहीं दैत्यों को अमृत रूप फल मिला और देवताओं को क्यों मिल गया, इसमें कारण क्या था? कारण बताते हैं कि जतपाद पंकज रज श्रेणा भगवान के पाद पंकज की रज के का आश्रय लेने से देवताओं को अमृत रूप फल मिला और दैत्यों को नहीं मिला क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं लिए थे। पर परिश्रम करने में, पैसा लगाने में, सामान जुटाने में और अमृत पीने की लालसा से युक्ति आदि में सब समान थे। सम देश सम काल, सम सब जगह ले चलना पड़ेगा, सम देश सम काल सम हेतु सम अर्थ सम कर्म सम सम्मति सबके थे। हरिभक्ता नामेव उद्यम फलति नान्येषाम् इत्येवम् आख्यान तात्पर्य आह एवमिति। भगवत भक्तों का ही उद्यम सफल होता है और भक्तों का नहीं, इस आख्यान का यह तात्पर्य यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। एवमिति समादेशादयो येषाम् जिनका देश आदि सम, हेतु का अर्थ है मंदराद्रि, समुद्र मंथन में हेतु उपाय बना मंदराचल, अर्थ समुद्रे क्षिप्तम बिरुदादि, अर्थ से तत्पर जो यहां समुद्र में जो फेंके गए थे, डाले गए थे बिरु तृण लता आदि, वो पूंजी लगाने की तरह थे। अर्थ और एक ही स्थान पर काम किया गया, क्षीर समुद्र उद्देश्य है और काल जो भी मंथन में समय लगा होगा वो दोनों दलों का लगा था समय, एक ही स्थान था और एक समान पूंजी खर्च किए थे तथा कर्म करने में भी ऐसा नहीं था कि कोई कम कर्म किया हो या कोई छुट्टी लेकर के किसी दिन चला गया हो, मंथन न किया हो या बीमारी का बहाना करके रुक गया हो, कुछ भी कर्म सब किए। और मति भी एक थी अमृत उत्पन्न करने की, सब कुछ एक था, परिश्रम वगैरह देश काल सब कुछ, लेकिन फल में क्यों भेद हो गया? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है विचार लिए, क्यों फल में भेद हो गया? कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक ही कार्य कोई आदमी कर रहा है लेकिन भिन्न भिन्न जगह पर करे, भिन्न भिन्न स्थान पर करे तो फल में अंतर हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए कोई खेती करता है, चास करता है, चावल पैदा करना चाहता है, एक बहुत उपजाऊ भूमि में वह चावल लगाएगा तो वहां उसका उत्पादन अधिक होगा, और वही बंजर भूमि में या काल के अंतर से भी अंतर हो सकता है। एक ही क्रिया, एक ही कार्य व्यक्ति मान लीजिए बसंत ऋतु में कर रहा है तो हो सके उसमें सफल हो जाए, या उस कार्य को कोई वर्षा काल में कर रहा है तो अंतर हो सकता है, शीत काल में करे तो बहुत अंतर हो सकता है। भिन्न भिन्न समय, समय का अंतर बहुत फल में अंतर कर देता है, देश का अंतर भी कर देता है, लेकिन समय एक था क्रिया का और देश एक ही था क्षीर समुद्र के। कर्म में तत्परता आदि का भेद भी फल भेद करता है, या कम पूंजी लगाए हैं, कम खर्च किए हैं तो हो सकता है कम पैदा हो, फर्टिलाइजर खाद कम डाले, समय पर सिंचाई नहीं किए तो फल में भेद हो सकता है, कोई अच्छा से किया कोई ठीक अच्छा से नहीं किया तो उसके अनुसार फल भेद हो सकता है। तो कहते हैं कि अर्थ भी सबने खर्च किया, बीरु तृण लता आदि डाले थे, और कर्म सब कुछ करे व्यक्ति, देश भी ठीक हो, काल ठीक हो, अर्थ खर्च किया है, लेकिन ढंग से कर्म नहीं किया तो फल नहीं होता है। जो अच्छा करता है तो अच्छा फल हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। तथा मति, मति का अर्थ है यहां मन लगना है, कोई मन लगा करके किया, कोई नहीं मन लगा करके किया, तो उसके अनुसार भी फल भेद संभव होता है। परंतु देवता और दैत सम देश, सम काल, सम मति, सम अर्थ, जो कुछ भी था सब समान रूप से किए, लेकिन फले विकल्पः, फल में विकल्प हो गया। विकल्प का अर्थ होता है भेद, विविध कल्प, विविध प्रकार का फल। वहीं पर देवताओं को अमृत मिला, कर्म का फल मिला, और दैत्यों को नहीं मिला। तो यहां बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है कि देवताओं को जो फल मिला वो भगवान नारायण के चरणों की शरण लेने से, और दैत्यों को नहीं मिला नहीं लेने से। इसे सिद्ध हुआ कि कोई भी देश, कोई भी काल या अर्थ या मति या कर्म, ये फल नहीं दे सकते, ये सब बाध्य हैं। फल भगवान के हाथ में है। कर्म देवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित, क्या कोई कह सकता है फल मैं प्राप्त करूंगा, मैंने काम किया है, मैंने ये किया है वो किया है। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर में जो तूफान आया था यहाँ उड़ीसा में, तो कितने खेतों में फसलें लगी होंगी, कितनी तत्परता से कर्म किया गया होगा, पैसा खर्च किया गया होगा, कितने बाग लगाए गए होंगे, परंतु क्षण भर में ही सारे ध्वस्त कर दिए गए। तो कर्म तो किए थे, कर्म किए थे मति मन लगा करके, पूंजी लगा करके, लेकिन फल नहीं आया, फल नहीं आया, उल्टे कितने के प्राण हानि हो गई, घर ढह गए, पशु मर गए, सब कुछ हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में ये देश, काल या कर्म आदि समर्थ नहीं है फल देने में, फल देने वाला कोई और है। अगर ये समर्थ होते, उचित देश, काल आदि समर्थ होते तो फल मिल गया होता दैत्यों को, नहीं मिला। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म करने में ही योग्यता, तुम्हारी योग्यता है, तुम कर्म ही कर सकते हो, फल बनाना तुम्हारे हाथ में नहीं है।
और इस संसार में हम लोग देखते हैं मनुष्य कर्म करता है लेकिन फल निश्चित रूप से होता नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो फल देता है, नहीं तो नहीं देता है। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है, सबसे बड़ी विद्वत्ता यही है कि ईश्वर की शरण ली जाए, भगवान का भक्त बनना चाहिए। जैसे भी हो वो भगवान सुख देते हैं, फल देते हैं, सब कुछ के मालिक वही हैं। कभी भी अपने कर्म पर, बुद्धि पर, धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। असुर अपने बल पर विश्वास करते थे, कर्म किए थे और विश्वास किए थे कि हम लोग पी जाएंगे छीन कर देवताओं से, लेकर भाग भी गए थे, लेकिन वो फल कुछ देर तक उनके हाथ में घूमता रहा अमृत का कलश, और अंत में आ गया भगवान के हाथ में और देवताओं के मुख में गया। क्या किया बुद्धि कौशल पराकर्म और सब कुछ। यह एक ऐतिहासिक विवरण है, घटना है, इससे प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में लोग बहुत गर्व रखते हैं अपने विकास पर, खास करके आजकल के लोग जो सभ्यता के विकास पर, विज्ञान के विकास पर बहुत गर्व रखते हैं, हम आगे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। पहले के लोग बुद्धू थे, वे लोग इस तरह से सुख से जीना नहीं जानते थे। पहले के लोगों के पास ट्रेन नहीं थी, वायुयान नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो सब मूर्ख थे। हम बहुत बुद्धिमान हैं, सुखी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन सारे संसार में भी आकलन देखा जाए कि पहले की अपेक्षा अब लोग कैसे हैं, तो 100 गुना दुख बढ़ा है पहले से। जितना पहले दुख था उससे 100 गुना बढ़ा हुआ है। और लोगों की क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि भगवत विमुखता लोगों की बहुत बढ़ी है। यदि सत्ययुग में इस प्रकार की कथा का आयोजन होता तो इससे 100 गुना बड़ा पंडाल बनाने पर भी पूरा नहीं हो पाता, इतना लोग जुटते थे। इस शास्त्र में लिखा गया है लोगों की भगवान में सहज रुचि थी, सहज रुचि, सिखाना नहीं पड़ता था। और अब तो सहज रुचि है संसार के तरफ, संसार के तरफ देख ही रहे संसार में कैसी रुचि है, कैसी लंबी लंबी लाइन लगती ये संसार का हिसाब। लोगों की बुद्धि बहुत डल हो चुकी, बहुत नीचे जा चुकी। ईश्वर से, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, भगवान के विषय में सुनना या जप करना, प्रणाम करना, कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग आ गया, और इसी कारण से दुख बढ़ रहा है। भगवान को जितना ही जीव भूलता जाएगा उतना ही उसकी दुर्गति होती जाती है। इस अवसर पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ये सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसे लोग हैं जो दोषारोपण करते हैं भगवान पर कि ये तो ठीक नहीं हुआ, दैत्यों से मेहनत करा करके और फिर भी उनको नहीं दिया गया, बहुत मेहनत किए बेचारे मर गए। और मेहनत करने में वे लोग देवताओं से अधिक किए थे, अधिक करने का मतलब अधिक कष्ट के साथ परिश्रम किए थे। वासुकी नाग के मुख के पास रहने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। कुछ भी करें, मेहनत करें, मर जाएं, लेकिन जो प्रभु संसार में सब कुछ दिए हैं
उनको तो नहीं जानते थे, क्षीर समुद्र जो बनाए हैं, वासुकी को जो बनाए हैं, जो मंदराचल बनाए हैं, और उस समय भी जो कण-कण में व्याप्त थे मंथन करते समय, उनके प्रति कोई भाव नहीं था उनका, कुछ भी नहीं था, इसलिए वे लोग इस तरह घाटा में पड़े अनिश्चय। अतः यहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी का एक संदेश है, किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह सबसे पहले भगवान का भक्त बने, इसके बाद कुछ भी करे। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण महात्मा लोग दिया करते हैं कि जैसे भूमि पर चलने वाली बहुत सी गाड़ियां हैं, जीप, बस, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल या ट्रेन, बहुत प्रकार के वाहन पृथ्वी पर चलते हैं, तो चाहे उनकी जो भी अपनी अपनी स्पीड हो, अपना अपना वेग हो, गति हो, आकार, आकार भेद हो सकता है, गति भेद हो सकता है, और क्षमता सवारियों को बैठाने की अलग अलग होगी, सीट अलग अलग होगी, लेकिन एक बात में सभी एक रूप हैं, किसमें, कि भूमि का आश्रय सबको लेना पड़ता है, भूमि पर चलना पड़ता है, चाहे ट्रेन हो या बाइसिकल हो या मोटरसाइकिल हो या जीप, कार, तांगा, कुछ भी भूमि का आश्रय लेकर के ही चलना पड़ता है। तो इसी प्रकार से मनुष्यों में चेतना भेद हो सकता है, क्रिया भेद हो सकता है, जाति का भेद होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान का भेद होगा, धन में भेद होगा, लेकिन उसे चाहिए कि भगवान का आश्रय एक समान ले। जैसे भूमि पर चलने वाले समस्त वाहनों का आश्रय भूमि है, उसी तरह से प्राणी चाहे कुछ भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए, भगवान से भिन्न नहीं। अब कोई ट्रेन, कोई बस, कोई कार सोचे कि जमीन छोड़ करके मैं चलूंगा, ड्राइवर ये सोचे कि हम जमीन पर नहीं चलेंगे, कहां चलेगा, जमीन पर तो उसे चलना ही पड़ेगा, भूमि पर चलना पड़ेगा। इसी तरह से चाहे व्यक्ति गृहस्थ है, चाहे सन्यासी है, चाहे ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी है, सबका यह कर्तव्य है कि भगवान के शरण में रहने का प्रयास करें, भगवान का भक्त बनकर के ही कुछ भी रहे। बाद में वो सन्यासी रहे, चाहे गृहस्थ रहे, चाहे ब्राह्मण रहे, कुछ भी रहे, पहले उसके भीतर ये भावना होनी चाहिए। कोई पूछे आप कौन हैं, तो कहे मैं कृष्ण का दास, भगवान का भक्त हूं। पहला परिचय जीव का यही है, जीवे रो स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो अपने इस स्वरूप को, अपनी इस आइडेंटिटी को समझना चाहिए। देवता भाग्यशाली थे जो अपने स्वरूप को समझते थे कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे प्रभु हैं, आश्रय हैं, और उनके आश्रय में रह करके वे काम किए तो फल मिल गया। और अंजसा, अंजसा का अर्थ है बिना युद्ध के, बिना कठिनाई के, मंथन करने में भी वे आराम से मथ रहे थे। वो तो कीर्तन गाते हुए चला रहे थे मथानी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनके ऊपर हवा चल रही थी जो समुद्र की लहरों को लेकर के, समुद्र की बूंदों से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और फूल वर्षा भी हो रही थी, ऊपर बादल छाए हुए थे, तो मंथन भी सुगमता से किए और अमृत भी पी लिए। जिनके चरण में वे आश्रय लिए थे, वे प्रभु वहां पर थे, उन्होंने फल दिया। इतना कह करके श्रील सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत बता रहे हैं, जद युज्यते सुबसु कर्म मनो बचो भीर देहात्म जादि सुनिर्भिस्तद सत् पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात्
सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्। एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में बारंबार दिया जाता है भगवान की स्थिति को क्लियर करने के लिए और जीव की स्थिति को। भगवान को हमेशा कहा गया है कि वे इस विश्व वृक्ष के मूल हैं। यदि सभी जीव उनकी शाखा के समान पत्र पुष्प आदि के समान हैं, तो भगवान मूल वृक्ष हैं। मूल निषेचनम, जैसे किसी वृक्ष के मूल का निषेचन किया जाता है, तो वह निषेचन सर्वस्य निषेचनम भवति, सबका निषेचन हो जाता है। ये तो हम लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है, सब देखते हैं वृक्ष हैं ही चारों तरफ, और कभी कभी सिंचाई भी करके देखा जाता है, करते ही रहते हैं। मूल जो जमीन में भूमि में भाग धसा रहता है उसको उस वृक्ष का मूल कहते हैं, जिसके ऊपर वो खड़ा रहता है। तो वृक्ष मान लीजिए फैला है, उसकी शाखाएं बहुत दूर में फैली हैं इधर उधर, तो उन शाखाओं को हरा भरा रखना है, फूल को, महाशाखा को, उपशाखा को, फल को हरा भरा रखना है, ठीक रखना है, तो उसके लिए जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जल हम कहां देते हैं? क्या फूल पर डालेंगे पानी कि तुम हरा भरा रहो, एक पत्ते पर डालेंगे, शाखा पर डालेंगे? और ये ध्यान रखिए कि ये जो मूल है ये ऊपर है, ऊर्ध्वम शाखम अधः मूलम। कुछ आदमी तो तर्क भी देने लगते हैं कि हाँ, वृक्ष के शाखा पर भी पानी डाला जाएगा तो बहकर मूल पर आ जाएगा, ऐसा वो तर्क देते हैं। लेकिन यह जो जगत वृक्ष है इसका मूल ऊपर है, नीचे से पानी पहुंचेगा ही नहीं। ये परवस्ता है। तो शाखा पर पानी डालेंगे या ये सोचेंगे कि शाखा को काट करके और इसको ले चलें घर में हरा भरा रखेंगे, पानी डालते रहेंगे तो शाखा सड़ जाएगी, मर जाएगी। तो शाखा का सेचन क्या है? मूल का सेचन। मूल का सेचन सर्वस्व सेचन होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां पर कहते हैं कि यदि भगवान का आश्रय लिया जाए, भगवान की भक्ति किया जाए, तो सारे संसार के सुख के लिए वो बात होती है। भगवान मूल। कभी किसी व्यक्ति के मन में ऐसी भावना हो कि शाखा को पानी की आवश्यकता है, शाखा को काट कर और ले चलें डाल दें गंगा जी में हरा भरा रहे, तो शाखा सड़ जाएगी, मर जाएगी। भले बहुत अच्छा विचार है उसका, लेकिन ज्ञान नहीं। तो जद जुज्यते सु वसुकर मनो बचो भी देहात्म जा दिशु। इस संसार में मनुष्य के पास बहुत उपकरण है। भगवान ने सबको क्या क्या दिया है यहां गिनाया जा रहा है। असु बसु, कर्म, मनो, बचो भी, ये तो उपकरण है। सबके पास प्राण है। प्राण का यहां तात्पर्य है शरीर। शरीर भगवान ने सबको दिया है, तो शरीर से और वस्तु धन से, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ न कुछ है, धन न हो। निर्धन कहे जाने वाले लोगों के पास भी कुछ न कुछ रहता है, जो भी हो। तो शरीर से और धन से और कर्म मनो बच्चों भी है। कर्म का अर्थ है कर्म इंद्रियों से, जैसे वाक, हाथ, पैर और नीचे के अंगों से, इसको कर्म कहता है। मन से यहां तात्पर्य है ज्ञानेन्द्रिय से,
वाणी को एक अलग रखा गया है, क्योंकि वाणी तो इंद्रिय है, लेकिन वाणी से बहुत व्यक्ति काम करता है, बहुत बोलता रहता है, इसलिए वाणी को अलग रखा गया है। असु बसु कर मनो बच्चो भी देहात्म जात दिशु निर्भित तदसत पृथक पात। तो अपने शरीर से, धन से, कर्मेंद्रिय से, ज्ञानेन्द्रिय से और वचन से, मनुष्य यदि अपने देह के लिए और अपने पुत्र आदि के लिए कुछ करता है तो सारा बेकार हो जाता है। देहात्म जा दिशु, आदिशु से तात्पर्य है स्त्री के लिए या समाज के लिए, परिवार के लिए, कुछ भी, चाहे कितना भी बड़ा हम बना लें उस स्वार्थ को, चाहे देश के लिए, जगत के लिए कुछ भी करे, लेकिन वो असत भवती, व्यर्थ हो जाता है। तैरेव सद भवती, परंतु वही वचन, वही शरीर, वही धन, वही इंद्रियां से हम जो कुछ करते हैं भगवान के लिए अपृथक्तवात, अपृथक्तवात का अर्थ है कि ठीक जगह पर भगवान के लिए जब हम काम करते हैं तो तैरेव सद भवती जत्कृते अपृथक्तवात सर्वस्व तद भवती मूल निशेषनम। जैसे मैं उस दिन उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति काम करता है और बहुत शुद्ध भावना से भोजन देने लगे अपने आंख को, क्योंकि आंख ने काम किया है, हाथ में बांध दे रोटी भात, कुछ पैर में बांधे, कुछ पीठ पर बांधे, कुछ कान में डाल ले, और ये सोचे कि मैं इंद्रियों को दे रहा हूं भोजन, तो ये सब पृथक्त्वात मूल जगह पर न दे करके गलत जगह पर डाल दी गई है, और इसलिए असद भवती, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। जिन पर डाले गए हैं भोजन वो इंद्रियां भी बेकार हो जाएंगी, और ये जो भोज्य है वो तो बेकार हो ही गए, व्यर्थ हो गए। मनुष्य के पास जो कुछ भी है, अनिर्भी शब्द का प्रयोग किया गया, अनिर्भी, तो मनुष्य के पास जो कुछ भी है, असु वसु कर्म मन वचन, इन सब का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तब तो ठीक है, वह भी सुखी हुआ होगा, जगत के सभी लोग सुखी होंगे, अन्यथा वह भी सुखी नहीं होगा, जगत के कोई जीव सुखी नहीं होंगे, भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। दूसरे के लिए काम करता है ये असु वसु कर्म मनो बच्चो भी, ये जो भी यहां गिनाया जा रहा है ये मनुष्य को भगवान की कृपा से मिलता है। देह समाज नहीं बना सकता है किसी के लिए, परिवार के लोग देह नहीं बना सकते, देह वास्तव में भगवान देते हैं, और देह के भीतर इंद्रियां भी वही फिट करते हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, कुछ सोचने की शक्ति, ये सब भगवान देते हैं। नहीं, यदि भगवान शुरू से ही अंध पंगु आदि बना दें तो समाज के लोग फिर उसको रिपेयर नहीं कर सकते। यदि भगवान शुरू से ही अंधा बनाए हो किसी को तो अब कोई ताकत नहीं है कि उसको पूरा दुनिया के लोग मिल करके और आंख लगा दे, लगाएंगे नहीं लगा सकते। आजकल तो लोग कहेंगे कि नहीं, दूसरे की आंख लेकर लगा लेते हैं, लेकिन दूसरे की वो आंख कौन बनाया है, वो आंख भी तो भगवान बनाए हैं ना। मैं तो कहता हूं कि एक मच्छर की टांग टूट जाए तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर उसको नहीं बना सकते, शक्ति ही नहीं है। वास्तविक बात यहां है, कोई ताकत नहीं है कि बना दे। तो जितने भी कीट पतंग, पशु पक्षी, गाय भैंस, जो कुछ भी है, ये सारा शरीर भगवान का दिया हुआ है। जब भगवान शरीर दिए हैं तो ये तो सोचना चाहिए मनुष्य को कम से कम कि किस लिए भगवान शरीर दिए हैं। क्या शरीर इसीलिए दे दिए कि दूसरे की सेवा करते रहो?
भगवान हृषि के सइंद्रियां दिए, इंद्रियों के पति वे हैं, इंद्रियां दिए, देह दिए, मन दिए, बुद्धि दिए। मन कहे अर्थ है कि पागल नहीं बनाए, मन ठीक काम कर रहा है, सोच रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, तो भगवान के विषय में सोचना चाहिए, विकल्प करना चाहिए। और वचो भी बोलना है तो भगवान के विषय में बोलना चाहिए, उनका निरूपण करना चाहिए, उनकी विशेषताओं का, गुणों का, अद्भुत कर्मों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो लोग भगवान के विषय में बोलते रहते हैं तो उनका बोलना बिल्कुल सार्थक, सद भवती, उचित बोलना, और बाकी तो सब सपना में बोलने जैसा है। यदि सपना कोई व्यक्ति देख रहा है और बोल रहा है तो उसको बड़बड़ाना कहते हैं, बर्राना सपना में। तो जो जगा रहता है व्यक्ति कहता है, अरे उसको जगा दो, क्या बर्रा रहा है, बर्रा रहा है। जगे हुए व्यक्ति को सपना देखने वाले की बात अच्छी नहीं लगती, तो कहता है वो तो जगा देता है कि ठीक से जग करके कुछ अच्छा बोलो, क्या बर्रा रहा। तो जो लोग भगवान के विषय में नहीं बोल रहे हैं वे लोग वास्तव में सपना देख रहे हैं और बर्रा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ जगाना चाहिए, जीव जागो गोरा चांद बोल, ये जीव जागो जागो जागो। और जगा करके कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे जीव जागो, कत निद्रा जाओ माया पिशा चिर कोल, माया पिशाची के गोद में कितना सोओगे, कई जन्म से अनादि काल से सोते आ रहे हो, कितना सोओगे। मैं तुम्हारे लिए अवतार हुआ, तुम्हारे लिए गोलोक छोड़ करके आया हूं, तुम्हारे लिए अवतार लेकर के आया और तुम्हारे सारे दोषों को दूर करने के लिए, तुम्हारे निद्रा भंग करने के लिए, रोग दूर करने के लिए, जो पिशाची पकड़ चुकी है तो उस रोग से मुक्त करने के लिए एनएचसी औषधि माया नाशी वारे लाग, माया का नाश करने के लिए औषधि लेकर आया हूं। तो कोई कहे कि जब औषधि लाए हो तो पिला दो चाहे सुंघा दो, अरे भाई भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं लेकर उतना दूर से आया हूं, एने छी औषधि माया नासी बारे में लाग। मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति माया पिशाची से पागल हो गया, वो कहे कि क्या औषधि लाए हो, भगवान कहते हैं हरि नाम लेकर आया हूं। तो वो कहे कि तो दे दो, जब लाए हो इतना कृपा करके तो दो, तो कहते नहीं मांगोगे तब दूंगा। कम से कम इतना तो भैलू करो इसका, एने छी औषधि माया नासी बारे लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मांगी, तुम इसको मांग करके ले लो। जो व्यक्ति गोलोक से लाया हरि नाम बिना मांगे क्यों नहीं दे रहा है, कुछ तो श्रद्धा चाहिए, कुछ तो कीमत करो, तुम मांगो मैं दे दूंगा। मांगना चाहिए कि हमको भी जपने के लिए कहिए, हमको भी माला दीजिए, ये कीजिए। वैसे तो अब अपने आप वैष्णव लोग दे रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो ऐसे करो, आयोजन करते हैं, लेकिन देख रहे हैं माया पिशाची की गोद में इतनी गाढ़ निद्रा आ गई जीव नहीं जप कर रहे। ये भगवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं आया हूं, मैं औषधि लेकर आया हूं, ये लाया हूं लाया हूं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई नहीं लिया लेकिन मैं तो चरण में गिर करके और मांग लिया। भक्ति विनोद प्रभु चरण पढ़िया सही हरि नाम मंत्र लई ल मांगिया। भक्ति विनोद तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण में पढ़ करके हरि नाम ले लिया, मतलब इस परंपरा में हो करके और अब जप कर रहा है ये अर्थ है। तो किसी को भी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हो जाए, और इस परंपरा का सार है भगवान नाम का उच्चारण।
यही इस युग का धर्म है, कलयुग में भवसागर तरने का उपाय। तो माया पिशाची की गोद में हम लोग सो रहे हैं और भगवान ने जो हमको एसेट दिया, जो उपकरण दिया, मन वचन शरीर दिया, हम केवल दूसरे की सेवा में लगे हुए इससे भिन्न कार्य कर रहे हैं। अपृथक्त्वात्, यानी पृथक्त्वात्, पृथक कार्य कर रहे हैं। वैसे हो रहा है जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत परिश्रम करे, भोजन जुटावे, भोजन जुटा लिया, भोजन सान भी लिया, सब प्रस्तुत किया और मुंह में न डाले और इधर पीठ पर गिराता जाए कार, तो कैसे वो तृप्त हो सकता है। मन बुद्धि शरीर आदि का विनियोग भगवान में करना है, कम से कम मनुष्यों को। दूसरे जीव तो बेचारे अज्ञ है, नहीं जानते हैं, लेकिन मनुष्यों को तो चाहिए कि वे अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान में लगावे, तभी सत्य होते हैं, अच्छा फल देते हैं, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। यह सिद्धांत श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना कह करके वो आगे की कथा कहते हैं। इति दानव दैते या नाविंदन अमृतम नृप युक्ता कर्मणि जत्ताश्च वासुदेव परांग मुखः। हे नृप, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार दानव और दैत्य ये अमृत नहीं पिए, अमृत नहीं पा सके, यद्यपि युक्ता और जत्ताश्च, यद्यपि वे जत थे, तत्पर थे, सावधान थे, जत्ता का अर्थ और युक्त का अर्थ कर्म में लगे हुए थे, आलसी नहीं थे, कर्म में लगे हुए थे, युक्त थे, और जत का अर्थ है समाहित चित्त से थे, सावधानी से लगे थे, तत्परता से लगे। यद्यपि काम किए, कर्मणि युक्ता कर्मणि जत्ताश्च, जत्ताश्च अलग युक्ता कर्मणि, फिर भी क्यों नहीं फल पाए, वासुदेव परांगमुखा, क्योंकि वासुदेव से परांगमुख थे, श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, उनसे विमुख थे, इनकी अपनी योजनाएं थी, अपना विचार था। इस संसार में जो भी व्यक्ति जी रहा है और अपना विचार, अपनी मान्यता, अपनी योजना सुखी होने की, चाहे कुछ भी करने की रखे, लेकिन भगवान पर विचार न करे कि इस विश्व के निर्माता जगन्नाथ जी हैं, हमारे प्रभु हैं, सब कुछ वही दिए हैं, तो जो भगवान पर विचार नहीं करते हैं वही असुर हैं। असुर कोई दो चार हाथ पैर वाले, सिर वाले नहीं होते हैं, मनुष्यों में ही असुर होते हैं। भगवान ने गीता में इसका वर्णन किया है। जो लोग ईश्वर से कुछ भी प्रेम नहीं करते हैं, विचार ही नहीं करते हैं कुछ भी, और बल्कि चर्चा चले तो थोड़ा विरोध भी कर देते हैं, यही असुर भाव है। ऐसे असुर लोग सुखी नहीं हो सकते हैं, प्रयास करते हैं ऐसे सुखी हो जाए, ऐसे सुखी हो जाए, ऐसे सुखी हो जाए, लेकिन दुख हो नहीं जाता। सोचते हैं प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो मीटिंग हुआ पूरे संसार के लोगों का, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाए तब तक दूसरा हो गया, अब प्रयास चल रहा है कि तीसरा नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध का सारा कारण उपस्थित करना चाहिए पर युद्ध नहीं होना चाहिए। लोलुपता, वैमनस, पूरे संसार को टेक ओवर करने की भावना भरी हुई है, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए, कहते हैं ऊपर से। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं युद्ध तो निश्चित होगा। भक्त लोग पूछे कि हम लोगों का क्या होगा, तो कहते हैं कि नरसिंह भगवान का स्मरण करो, वे रक्षा करेंगे। युद्ध तो अनिवार्य बुराई है इस संसार में, युद्ध तो चलेगा,
अभी युद्ध ही प्रारंभ होने वाला है। ये देवासुर संग्राम प्रसिद्ध जो शास्त्र में है, अब सुखदेव गोस्वामी चालू कर रहे। हमेशा युद्ध प्रारंभ होता है असुरों के तरफ से। देवता कलह प्रिय नहीं होते हैं, तो भगवान की शरण में थे, अमृत पिए, अब वो बेचारे तैयारी में होंगे कि अपने अपने घर जाएंगे, वहां भगवान का भजन करेंगे, जगत का कार्य करेंगे और सब व्यवस्था। लेकिन वहीं पर घोषणा कर दी गई युद्ध की, नहीं पा सके दैत्यगण। वासुदेव परांग मुखा, श्री कृष्ण से परांग मुक्त विमुक्त, साधयित्वा मृतम राजन पायित्वा स्वकान सुरान पश्यताम सर्वभूतानाम जयो गरुण वाहन। तो गरुण वाहन क्या किए भगवान से, भगवान विष्णु क्या किए वहां, साधयित्वा अमृतम राजन, हे राजन अमृत को साध करके, साधने का अर्थ है उत्पन्न करके, सारा उपाय करा करके लग करके भगवान ने अमृत उत्पन्न किया, और अमृत उत्पन्न करके पायित्वा, अमृत उत्पन्न करने के बाद भी पीना कठिन था देवताओं के लिए, इसलिए पायित्वा अलग से कह रहे हैं, साधयित्वा पायित्वा। अमृत उत्पन्न किए और दैत्यों के हाथ में अमृत चला गया था उसको भी छीने, और इसके बाद खूब अच्छी तरह से पायित्वा, किनको पिलाए भगवान, स्वकान अपने भक्तों को, सुरान देवताओं को, अपने भक्त देवताओं को अपने हाथ से मोहिनी अवतार से भगवान ने पिलाया, और पिला करके देवता भी बैठे थे, अभी दैत्य भी बैठे थे, तब तक वहीं पर गरुण जी आए और गरुण पर चढ़ करके भगवान चले गए। भले मोहिनी के रूप में थे, मोहिनी से मोहन रूप में हो गए, इसके बाद गरुण वाहन हुए चले गए। सबके देखते देखे पश्यताम सर्वभूताना, इतना स्पष्ट भगवान लीला कर रहे हैं, फिर भी असुरों को, असुरों में भक्ति उत्पन्न नहीं होती थी। हम तो समझते हैं कि भगवान अगर प्रकट इस समय ऐसे आवे गरुण पर चढ़ करके तो सारी दुनिया भक्त हो जाएगी, इतना प्रकट अगर देखे तो सब भक्त हो जाएगा। लेकिन पश्यताम सर्वभूतानां, वहां पर उपस्थित सब जीव देख रहे थे, देख रहे थे, उनके देखते देखते भगवान गरुण पर चढ़े और चले गए। भगवान ने मानो अब छोड़ दिया कि अब जो कुछ करना है करो, हमारा काम पूरा हो गया, चल। भक्तों को अमृत पिलाकर उनको बलवान बना ही दिए, अब युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, चल। सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दिति नंदना अमृष्यमाणा उत्पेतुर देवान प्रत्युद्यतायुधा। अपने शत्रुओं की यह परम सफलता और रिद्धि को देख करके असुर सह नहीं सके। पहले से वे बेचारे प्लान किए थे, पहले से सोचे थे कि हम अमृत पिएंगे, और ये भी उनके मन में विचार था कि अमृत पी लेंगे तो जितनी भी वस्तुएं देवता लिए हैं समुद्र मंथन से वो सब छीन लेंगे, पहले अमृत पी लें, अमृत पी करके बलवान बनेंगे, इसके बाद इनको मारपीट करके वो सब चीज ऐरावत वगैरह सब छीन लें। वो लोग यहां तक विचार करते थे कि विष्णु से भी छीनेंगे कौस्तुभ आदि, इतना उनका दुर्विचार रहता है, बुद्धि काम नहीं करती, भगवान से भी छीनना चाहते थे। लिप्संत सर्व वस्तु, सोचे कि अमृत पी लेंगे, लेकिन अमृत भी नहीं मिला, वस्तु मिलने की बात तो बहुत दूर रही, और बीच में जो आशा लगी थी मोहिनी की वो भी तो पुरुष हो गई। अब इनके हानि का घाटा का कोई ठिकाना नहीं था, कितना बेचारे अफसोस में होंगे, और वो भी कौन सफल हुए, सारी वस्तुएं किनको मिली, शत्रुओं को, सपत्नाना। जब संधि कर रहे थे उस समय सोचे थे कि सब कुछ ले लेंगे, इनको मारपीट करके अमृत पी जाएंगे, लेकिन हो गया विपरीत सब कुछ, तब तो सह नहीं सके। अब तो यही मन में आया कि अब चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो, इनको मारो यहीं पर,
भले हम हार जाएं कुछ भी करें। बुद्धिमानी ये थी कि चुपचाप चले जाते घर तो कम से कम प्राण बच जाता, शरीर ठीक रहता। जो धन गया सो गया, इतने दिन परिश्रम किए वही व्यर्थ गया, अब तो सुख से रहते, लेकिन बुद्धि तो विपरीत है। वहीं पर युद्ध की घोषणा किए। उत्पेतु देवन प्रति उद्यतायुधा, तत्काल ही अपना अपना अस्त्र लेकर के खड़े हो गए और कहने लगे आ जाओ, आओ लड़ने के। ललकारे, शंख बजाने लगे, दुंदुभी बजाने लगे कि हम लड़ेंगे, हम उसे कमजोर नहीं है, पीने खाने से क्या होगा। अमृष्मण उत्पेतु, उत्पेतु का अर्थ है केवल उठकर खड़े हो गए, और उत्पेतु का अर्थ केवल खड़ा होना ही नहीं, दौड़े और अपना अपना शिविर में जो रखे थे जहां तहां अस्त्र शस्त्र वे सब उठा लिए, और उठा करके घेर करके आए और कहे कि बस लड़ो। तो देवताओं को भी एक अवसर दिए उनका अस्त्र शस्त्र उठाने का, सब लोग अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हुए। अब देवता जाए कहां, तो प्रश्न होता है क्या देवता लोग युद्ध किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पहले तो ये भाग गए थे, युद्ध नहीं किए शुरू में, समुद्र मंथन से पहले बहुत दिनहीन हो गए थे, उठे नहीं थे, इतनी मारपीट किए थे दैत्य लोग इनको, लेकिन अब तो भगवान के कृपा के कारण और अमृत पीने के कारण इनका तो बल बढ़ चुका था, ये भी प्रतिद्वंदिता में खड़े हो गए। ततः सुरगण सर्वे सुधया पीतय धिता प्रति संयुजुधु शस्त्र नारायण पदाश्रय। देवता भी खड़े हो गए युद्ध के लिए, तैयार हो गए, क्योंकि सुधया पीतया एदिता, सुधा पिए से, पिए हुए सुधा के कारण इनका बल बढ़ा हुआ था, और सबसे बड़ा बल तो था नारायण पदाश्रय, भगवान ने अद्भुत ढंग से इनकी सहायता की थी, अमृत दिया, सब दिया, तो भगवान पर पूर्ण भरोसा था, भगवान के चरणों के आश्रित थे, इसीलिए ये लोग प्रतियुद्ध के लिए कड़े हो गए। तत्र दैवासुरो नाम रण परम दारुण रोधस जन्मतो राजंस तुमलो रोम हर्षण। हे महाराज परीक्षित, क्षीर समुद्र के तट पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ, एक तो परम दारुण महाभयावह युद्ध हुआ, तो युद्ध भी भयहीन होता है क्या। युद्ध तो ऐसे दारुण होता ही है जिसमें मारना काटना यही कार्य है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परम दारुण युद्ध हुआ, महाभयावह युद्ध, उसको देखने वाले की क्या दशा होती होगी, सुनने वाले का के रोए खड़े हो जाते हैं, रोम हर्षण, ऐसा भयावह युद्ध हुआ था। रोधसी समुद्र के तट पर, तो यह युद्ध है दैवासुर युद्ध कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है नाम है यह। दो ही युद्ध की चर्चा तो चलती है वैदिक ग्रंथों में, तो देवासुर संग्राम और महाभारत का संग्राम। मनुष्यों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था लगभग आज से 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में, उसे महाभारत का युद्ध कहते हैं, और देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था बहुत जमकर, तो देवासुर संग्राम और महाभारत का युद्ध। कभी कहीं कलह होता है, लोग झगड़ा करते हैं, तो गांव में यही कहते हैं कि देवासुर संग्राम छिड़ा है, चाहे महाभारत छिड़ा है। युद्ध का, कलह का तो पर्यायवाची नाम ही रख दिया गया है, महाभारत हो रहा है। वहां महाभारत हो रहा है, महाभारत मतलब युद्ध है, होने लगा युद्ध।
तत्रान्योन्यम सपत्नास्ते संरब्ध मनसो रणे समासाद्यास्भिर्बाणे निजघ्नुर् विविधायुधै। वहां पर अपने अपने प्रतिद्वंदियों को पुकार पुकार करके, गाली दे दे करके, बाण चलाने से पहले वाघ बाण चलाने लगे, गाली देने लगे। गाली देने का अर्थ है कि दैत्य लोग गाली दे रहे थे, तो उसके बदले में देवता लोग भी कुछ बोल रहे थे। एक गाली देना चालू किया, अरे बेईमान कहीं के, अरे बेईमान तुम लोग अमृत पी लिए, कैसे तुम्हारे मुख में अमृत गया? क्या हम मेहनत नहीं किए थे? तुम लोग ऐसी शैतानी किए, पी लिए अमृत, हमारा हक ले लिए, ये किए वो किए, इस तरह से असुर चालू किए। तो देवता लोग कह रहे थे कि हम पिए हैं, क्योंकि तो तुम लोग दिए थे, और वो बांट दी चाहे चाट ली, हम क्या करें? और इस तरह से गाली गलौज चालू हुआ, हमारा क्या दोष, हमको मिला, हम बैठे, हम पिए। खूब इस तरह से तुम लोग बेईमान हो, ये हो, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो, और देवता लोग कह रहे तुम लोग खल हो, चोर हो, पापी हो, अग्रेसिव हो। इस तरह से अब क्रोध तो बढ़ता है वचन से ही, क्रोध के परुष वचन बल, परुष वचन बहुत क्रोध बढ़ा देता है। और क्रोध बढ़ता है तो होगा क्या? विनाश होगा, मार काट होगी, चालू हो गए। तत्र अनुन्यम सपत्नास्ते संरब्ध मनसोरणे समासाद्यस्भिर्बाण निजघ्नुर्विविधायुध, और विविध आयुध आदि बरसाने लगे, अस्त्र शस्त्र। तो युद्ध से पहले शंख तुर्ज मृदंगाणाम भेरी डमणीनाम महान शंख बजाने लगे, तुर्ज मृदंग भेरी डमरू इत्यादि, और हाथी घोड़े और पैदल सैनिक ये सब भी आवाज कर रहे थे। तो युद्ध में बहुत बड़ा स्वर हो रहा था, बहुत आवाज आ रही थी, इधर आओ, सामने आओ, इधर दौड़ो, उधर जाओ, ये करो, वो करो। उसमें हाथी भी चिघाड़ रहे थे, घोड़े भी बोल रहे थे, और सैनिक भी एक दूसरे को, शत्रुओं से बात कर रहे थे, चाहे अपने स्वजनों को बुला रहे थे। दो आदमी में झगड़ा होने लगता है तो बहुत आवाज होती है, वहां तो लाखों करोड़ों लोग झगड़ा कर रहे हैं तो बहुत आवाज होगी। रथिनो रथ भी तत्र पत्ति भी सह पत्तय, जो रथ पर आरूढ़ थे वे रथियों से युद्ध कर रहे थे, रथ वाले रथ वालों से युद्ध कर रहे थे, और पैदल सैनिक पैदल से, घोड़े पर जो सवार थे वे घोड़सवारों से युद्ध कर रहे थे, और हाथियों पर जो चढ़े थे वे हाथी सवार से युद्ध कर रहे थे। उनके सवारियों का वर्णन किया गया है, किस किस आकार की सवारियां थी जिस पर चढ़कर युद्ध कर रहे थे। उस ट्रह के चित इभय के चित, कोई कोई ऊंट पर चढ़े थे, कोई कोई हाथी पर चढ़े थे, कोई गधों पर चढ़कर युद्ध कर रहे थे। ये बड़े बड़े विकराल उनके वाहन थे, आकार भर गधा का था, चाहे आकार ऐसे थे, दूसरे तरह से चल रहे थे। और कोई गौर मृग पर चढ़े थे, कोई वृक्ष पर, कोई भालू पर, भल्लुक पर, कोई द्वीपी जल के हाथी पर, कोई बाघ पर, सिंह पर, गृध्रय बकैर कंकैर बकैर अन्य, कोई गिद्धों पर, कोई कंकों पर, कोई बकों पर, कोई सेन भास तिमिंगल पर, कोई सरभ, कोई भैंसों पर चढ़े थे, कोई खडग गोबरिस गवय अरुण, कोई शिवा भी, कोई सियारों पर चढ़े थे, कोई चूहों पर चढ़े थे, कोई गिरगिट पर चढ़े थे, कोई शस पर, कोई बकरों पर, कोई कृष्णसार पर, कोई हंस पर, सुअर पर, अन्य भी जल स्थल खग की जो भी आकृतियां हैं, विविध आकृति के वाहन थे दोनों दल में, और वे चढ़कर युद्ध कर रहे थे। तो दोनों दल में विचित्र ध्वज और पताकाएं फहरा रही थीं।
इतने झंडा लगे हुए थे उस युद्ध में कि चारों तरफ केवल झंडा 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 दिखाई दे रहा, ध्वज दिखाई दे रहा। इसलिए सेना को ध्वजनी भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति झंडा रखते हैं, यहां तक पैदल सैनिक भी अपने ऊपर झंडा बांध लेते हैं और हाथी पर झंडा बांधते हैं, रथ पर झंडा, ये सब तरह से ध्वज फहराते हैं। ध्वजनी कहा गया। और सैनिकों के वस्त्र चमक रहे थे, कवच कुंडल और भी सब चमक रहे थे सूरज की किरणों से। तो वीरों से, वाहनों से, अलंकारों से, वस्त्रों से और लहराते हुए ध्वजों से दानव और देवताओं की वो दोनों सेना ऐसी लग रही थी जैसे लगता था कि दो समुद्र अब आपस में टकराने वाला, दो विशाल महासागर की तरह वो सेना लग रही थी। वैरोचनो बलि संखे सो सुराणाम चमुपति ही यानम वैहायसम नाम कामगम में निर्वितम। अब युद्ध में असुरों के तरफ से सबसे फ्रंट पर हैं सेनापति हैं बलि महाराज। बलि महाराज का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को आनंद आ रहा है युद्ध का वर्णन करने में। कहते हैं विरोचन के पुत्र बलि महाराज उस युद्ध में वैहायस नामक एक विमान पर सवार थे। रथ था लेकिन वह रथ आकाश में भी चलता था, बिल्कुल विमान था वो। और उस विमान का निर्माण किया था मय दानव ने, जो दानवों का शिल्पी है, देवताओं के शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी और दैत्यों के शिल्पी हैं मय। तो मय निर्मित, मय के द्वारा वो निर्मित था और कामगम, काम के अनुसार चलता था, इच्छा के अनुसार वो विमान चलता था, कंप्यूटर से नहीं चलता था। इच्छा जिधर कर देते थे बलि महाराज उधर चलता था, जितनी स्पीड चाहिए उतनी। और यहां तक कि अगर इच्छा होती थी कि वो छोटा हो जाए, मच्छर जैसा छोटा हो जाए तो उतना छोटा हो जाता था, और हिमालय जैसा बड़ा हो जाए तो उतना हो जाता था। वो पेट्रोल से नहीं चलता था, वो इच्छा से चलता था, विचार। आजकल इतना लोग विकास किए हैं लेकिन संकल्प से चलने वाली कोई मशीन नहीं। वॉयस एक्टिवेटर है, वचन से चलता है, रिमोट कंट्रोल से कुछ चलता है, लेकिन मन से चला दे किसी मशीन को ऐसी कोई मशीन नहीं। देवलोक में ऐसा मशीन है और दैत्य लोक, जो कामगम कहते हैं, इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान, उस पर चढ़े थे और वही असुरों के चमूपति थे, असुरों के सेनापति थे। सब प्रकार के युद्ध की सामग्रियों से भरे पड़े थे वो विमान, भरा पड़ा था, सारे अस्त्र शस्त्र भरे पड़े थे और सर्व आश्चर्य में था, अप्रतर्क्यम। उसको मन से सोच पाना भी कठिन था, उसका निर्देश करना कठिन था, कभी दिखाई पड़ता था कभी नहीं दिखाई पड़ता था, बलि की इच्छा पर निर्भर करता था। ऐसे विमान पर वे सवार थे। आस्थितस्तद विमान आग्रम सर्वानिकाधिपति। तो उस विमान पर बलि महाराज आरूढ़ थे समस्त सेनापतियों के बीच में, और उनके दोनों तरफ बाल व्यजन चामर डुलाया जा रहा था। जो चामर डुला रहे थे वे भी सैनिक थे। बलि महाराज के ऊपर चामर डुलाया जा रहा था, तो बलि महाराज उस विमान पर ऐसे शोभित हो रहे थे, लगता था कि चंद्रोदय हुआ है, बलि महाराज चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। चंद्र इव उदय, जैसे उदित होते समय चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही उस विमान पर बलि महाराज सुंदर लग रहे थे। और उनके चारों तरफ असुर सेनापति थे,
उन असुर सेनापतियों के नाम दिए जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से असुरों के नाम। नमुची, संबरो, बाणो, विप्रचीति, रयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभूत, प्रहेतिर, हेति, नीलबल, शकुनी, भूत संतापो, वज्रद्रंष्टो, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिलो, मेघदुंदुभि, तारकश्च तारकश्चक्रदृक्शुंभो निशुंभो जम्भ उत्कल, अरिष्टो रिष्ट नेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिप, अन्य पौलोम काले या निवात कौशादय। असुरों के नाम जो उस विशाल सेना में सेनापति थे भिन्न भिन्न मोर्चे पर, उनके नाम बता रहे हैं। नमुची, नमुची नाम का वह असुर था, उसका नाम इसलिए नमुची पड़ा था, मुच का अर्थ छोड़ देना, मुक्त करना, जिसको पकड़ लेता था कभी भी नहीं छोड़ता था, इसलिए उसका नाम था नमुची। उसकी इतनी गहरी पकड़ थी, यह मार देता था, छोड़ता नहीं था, नमुची। संबर, इसका वध है प्रद्युम्न जी ने बाद में किया, वही संबर। बाण, यह बलि महाराज का पुत्र था। विप्रचित्ति, ब्राह्मणों को खाया करता था। और अयोमुख, एक ऐसा था जिसका मुख लोहे जैसा था, अयह मुख। और द्विमूर्धा, एक असुर था जिसके दो सिर थे, इसलिए सोचता था कि एक कट भी जाएगा तो एक तो बचा रहेगा, वो बहुत अभिमान में रहता था। द्विमूर्धा, शंकुशिरा, एक ऐसा था जिसका सिर हुक की तरह था, शंकु की तरह, इसलिए नाम दिया गया था। और कालनाभ, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, भूत संताप का अर्थ जो जीवों को दुख में डालता रहता था। वज्रद्रंष्ट, एक ऐसा असुर था जिसके दांत वज्र जैसे कठिन थे, अगर वो दांत में लोहा भी पीस देना चाहे तो पीस देता था, आयरन को भी धूर कर देता था, चना चबाना आदि कौन कठिन, इतना मजबूत दांत इसके अनुसार उसमें बल। विरोचन, ये विरोचन बलि महाराज के पिता नहीं, दूसरा नाम। हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघ दुंदुभि, तारक, यही तारकासुर जिसको कार्तिकेय जी ने मारा, चक्रदृक, शुंभ, निशुंभ, जम्भ, उत्कल, उत्कल नाम का एक असुर था। ये जो देश है उत्कल, ये उत्कल नाम के एक राजा हुए उनके नाम पर बसाया गया, जदु महाराज के पुत्र उत्कल जदु महाराज के वंश में आए थे, लेकिन ये उत्कल असुर था। अरिष्ट, अरिष्ट नेमी, मय जो त्रिपुर का नायक था, तीन नगर बनाया था आकाश में और वहीं से युद्ध करता था, त्रिपुराधिप। अन्य भी पौलोम, काले, निवात, कवच आदि असुर थे, ये लोग सब पूर्ण क्रोध में थे, क्योंकि अलब्ध भागा सोमस्य, अमृत नहीं मिला था, केवलम क्लेश भागिना, केवल कष्ट मिला था, परिश्रम मिला था, इसलिए लोग बहुत क्रोध में थे। और लड़ने का दूसरा कारण था कि सर्वे एते रण मुखे बहुसो निर्जिता मरा, ये प्रायः सभी जिनका नाम लिया गया, ये लोग देवताओं को अनेक बार युद्ध में परास्त किए थे, इसलिए उत्साह था। तो यहां प्रश्न बनता है कि जब अमृत मिला नहीं, केवल क्लेश मिला, तो अब क्यों लड़ने का साहस कर रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सैकड़ों बार पहले परास्त कर चुके थे, इसलिए साहस बना हुआ था।
पहले की बात देख रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि भगवान का आशीर्वाद देवताओं को प्राप्त हो चुका है, और ये पहले वाला देख रहे थे कि कई बार हरा दिए हैं, कई बार परास्त कर दिए हैं, तो इस बार भी परास्त कर देंगे, इसलिए वो लोग खड़े थे। सिंहनादान विमुंचंत शंखान दधनुन महारवान, पहले तो सिंहनाद किए, सिंहनाद का अर्थ जो सिंह दहाड़ता है ऐसे दहाड़ते थे, अरे आ जाओ ऐसे करते थे, जोर से पुकारते थे, और सिंह जैसा दहाड़ करके तब शंख बजाते थे जोश में। शंख बजाना युद्ध में एक प्रसिद्ध क्रिया है, भगवान भी बजाए, अर्जुन बजाए कुरुक्षेत्र के युद्ध। शंखों की विशेषता बता रहे महारवान, बहुत उच्च स्वर पैदा करने वाले शंख बजा रहे थे। अब उतने बड़े बड़े शंख नहीं मिलते, ऐसे कुछ बड़े बड़े शंख लोग प्लास्टिक का बना करके बेचते हैं, खास करके कोस्टल एरिया में जहां समुद्र का किनारा है, वहां तो प्लास्टिक का शंख भी असली हो जाता है। एक बार एक जगह पर जन्माष्टमी के दिन अभिषेक की जरूरत पड़ी भगवान, तो कहा गया कि 108 शंख चाहिए जो जिसका द्वार वो दाहिने के तरफ हो, राइट भाग में। तो ऐसे शंख तो मिलते नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति आया था पुरी में, 108 शंख खरीद करके ले गया, वो सब दाहिना आवर्त वाले थे, तो हमको दिखा रहा था कि हम शंख लाए हैं बहुत अच्छा अच्छा, तो मैं कहा कि वो सब दाहिना आवर्त है ना, मैं कहा हाँ सब ठीक है, सब ओरिजिनल है। इस तरह बहुत अब तो कपट चल रहा है, लेकिन पहले शंख मिलते थे कि आदमी उसको नहीं पकड़ करके टांग सकता था, इतने बड़े बड़े शंख मिलते थे, तो पहले के मनुष्य बलवान होते थे, वे लोग पकड़ करके चलते थे बजाते थे, तो एक को बजाने पर यहां से पूरी तक आवाज जा सकती थी, उसको महारव कहते, महारवान शंख, बड़े बड़े शंख बजा रहे, अपने शरीर के साइज के अनुसार ही शंख लिए थे। दृष्ट्वा सपत्नान उत्सिक्तान बलभीत कुपितो भृशम, खास करके असुर लड़ने के लिए बहुत उतावले थे, तो इनको देख करके इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ, पहले तो क्रोध में नहीं थे, लेकिन देखिए कि इतना बढ़ गए, ये हम लोगों ने क्या गलती किया, समुद्र मथे ही रहे थे, अमृत लेकर के ये लोग भागे और दे दिए एक स्त्री को, स्त्री ने हमको कृपा करके दिया, तो इसमें हमारा क्या दोष है, लेकिन इतना लड़ने के लिए उतावले हैं, तो वो तो अब भगवान के आश्रय में थे, उनका क्रोध बहुत बढ़ गया, उनका कि अब आज हम बताएंगे, कई वर्षों के हारे हुए इंद्र आज तैयार हो गए कि अब आज बताएंगे असुरों को, क्रोध में हो गए। ऐरावतम दिक्करिण मारूढ़ सुशुभेश्वरा जथा स्रवत प्रश्रवणम उदयाद्रिर्महरपति, ऐरावत पर चढ़े चढ़े इतना सुंदर लग रहे थे भगवान इंद्र, लगता था कि सूर्य उदित हो रहा है, उदयाचल पर सूर्य है, तो बलि महाराज को चंद्रमा कहा गया और इंद्र को सूर्य, तो सूर्य के आगे चंद्रमा क्या है, सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं तो उसके अनुसार समझ लेना चाहिए अंतर इंद्र में और बलि में, इंद्र का बल बहुत बढ़ा हुआ, और ऐरावत के चारों पैर की रक्षा करने के लिए चारों तरफ बड़े बड़े वीर थे, किसी हाथी पर आघात किया जाता है उसके पैर में बाण मार करके कि ये ढोने ना पावे, तो उसके चार पैर की रक्षा करने के लिए चार घुड़सवार थे अलग अलग दिशाओं में रक्षा कर रहे थे।
इंद्र के तरफ चारों तरफ वायु अग्नि वरुण आदि देवता थे, जैसे उन लोगों के साथ थे। युद्ध होने लगा बहुत उत्साह के साथ। युयोधक बलि इंद्रेण, इंद्र के साथ बलि महाराज का युद्ध होने लगा। कौन किसके साथ लड़ रहा है देवासुर संग्राम में, इसका संक्षेप में वर्णन सुनिए। बलि इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे और तारक के साथ गुह युद्ध कर रहे थे। तारक असुर था जिसके साथ कार्तिकेय जी युद्ध कर रहे थे। ये कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं, गणेश जी के भाई। ये सब लोग अमृत पिए थे, साथ में थे, इसे सिद्ध होता है। वरुणो हेति न युद्ध, वरुण जी हेति के साथ युद्ध कर रहे थे और मित्र नामक देवता प्रहेति के साथ युद्ध कर रहे थे। यमराज जी का युद्ध हो रहा था काल नाग के साथ और विश्वकर्मा जी लड़ रहे थे माय के साथ। दोनों मिस्त्री मिस्त्री आपस में लड़ रहे एक स्वर्ग के मिस्त्री और एक असुरों के मिस्त्री, अपना अपना जोड़ी सब चुन लिए थे। यमराज जी कालनाभ के साथ, विश्वकर्मा जी मय के साथ, संबर के साथ त्वष्टा युद्ध कर रहे थे और विरोचन युद्ध कर रहा था सविता के साथ। नमुची युद्ध कर रहा था अपराजित नामक देवता के साथ और बृषपर्वा नामक असुर युद्ध कर रहा था दोनों अश्विनी कुमारों के साथ। सूर्य के साथ बलि महाराज के 100 पुत्र युद्ध कर रहे थे जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। सोम का युद्ध राहु से चल रहा था, चंद्रमा का युद्ध राहु से चल रहा था और पुलोमा के साथ अनिल देवता का युद्ध हो रहा था। निशुंभ और शुंभ के साथ भद्रकाली जी युद्ध कर रही थी, ये तो देवी हैं। शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध कर रही थी और बहुत तेज गति से, क्योंकि दो असुर लड़ रहे थे इसलिए बहुत फुर्ती से तरस्विनी माता काली जी युद्ध कर रही थी। वृषा कपिश तो जम्भ है ना, वृषा कपि नामक देवता जम्भ के साथ युद्ध कर रहे थे और अग्नि देवता महिषासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। और ब्रह्मा जी के कुछ पुत्रों के साथ इलवल युद्ध कर रहा था वातापी के साथ। वातापी भी एक असुर का नाम था, वो दोनों मिलकर ब्रह्मा जी के पुत्रों से युद्ध कर रहे थे। कामदेव के साथ दुर्मर्श का युद्ध हो रहा था और उत्कल मातृकाओं के साथ युद्ध कर रहा था। बृहस्पति जी और शुक्रपाद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर गोविंद महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी।